रोहतक में हुई फर्स्ट इंडिया खेलो सब जूनियर गर्ल्स एंड एलिट वुमेन नेशनल ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 50 किलो भार वर्ग में गोहाना की रहने वाली निशा सैनी ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है। निशा सैनी का गोहाना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। निशा ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया है। निशा ने कहा कि वो देश के लिए आगे चलकर खेलना और मेडल जीतना चाहती है। सिल्वर मेडल जीता और 12 से 17 तक हुए थे और ऑल इंडिया के गेम थे, खेलो इंडिया के नेशनल के यूपी। कितने खिलाड़ियों ने अपना 690 खिलाड़ियों ने। तो आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसको देते हो सर? कौन सी चैंपियनशिप थी, किसको आपका ये श्रेय देते हो सारी इसका जीत का? कोच को। निशा के परिवार वालों ने भी अपनी बेटी की जीत पर खुशी जाहिर की और उनके अच्छे भविष्य की कामना की है। वही निशा के पिता ने कहा, बेटी ऐसी ही खेलते रहे और वो मेडल जीत कर लाती रहे, आज खेलों में भी बहुत नाम और नौकरी है, सभी को अपनी बेटियों को खिलाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत। क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँ जी, सभी बेटियों सब अपना अपने हिसाब में ऐसे मेडल लिया अपने बढ़िया रहो। स्वागत पहुँचने पर। हाँ, स्वागत किया जी। ये फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप थी जो कि 12 से 17 को रोहतक NBA नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी है वहाँ पर चल रही थी और इसमें निशा ने 50 किलो में खेलते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया और इसकी जो एक साल के लिए स्कॉलरशिप भी हो गई है जो 5,000 रुपये हरेक पर मंथ मिलेगी इसको एक साल तक। सिल्वर मेडल विजेता निशा सैनी के कोच ने बताया कि रोहतक में 12 से 17 फरवरी को फर्स्ट इंडिया खेलो सब जूनियर गर्ल्स एंड एलिट वुमेन नेशनल ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें निशा ने मेडल जीतकर गोहाना का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि निशा आगे भी देश और प्रदेश के मेडल जीतकर लाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।